नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डिएडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है केड़कर हॉस्पिटल, जो अकोला में है, इंडिया में। आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो है पिछले पार्ट का कंटिन्यू टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं होमोसेक्सुअलिटी। वो टॉपिक का नाम है होमोसेक्सुअलिटी। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, होमोसेक्सुअलिटी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग खुद के सामने या सभी लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को इंस्पायर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जैसे मैंने बताया कि होमोसेक्सुअलिटी में पेरेंट्स का और फ्रेंड्स का सपोर्ट करना, वो व्यक्ति को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट वो व्यक्ति को करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छे से वो व्यक्ति एक्सप्रेस करता है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, उसके कंसर्न्स क्या है, वो एक्सप्रेस कर सकता है। होता क्या है कि होमोसेक्सुअलिटी में बहुत सारे फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स डेवलप होना चालू हो जाता है, और वही हमारा एज एन एक्सपर्ट, एज अ साइकेट्रिस्ट काम है। अलग अलग प्रकार के फिजिकल सिम्टम्स दिखने लगते हैं। पेशेंट अपने बॉडी को डिसलाइक करना चालू कर देता है, ज़्यादा स्ट्रेस आने के कारण पेशेंट को एसिडिटी होती है। अलग अलग प्रकार के फिजिकल सिम्टम्स पेशेंट को दिखने लगते हैं। सेकेंड है मेंटल सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो होमोसेक्सुअल व्यक्ति में दिखते हैं। होमोसेक्सुअलिटी ये बीमारी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उस कारणवश पेशेंट को अलग अलग प्रकार के मानसिक बीमारियां या मानसिक सिम्टम्स दिखने लगते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है वो है डिप्रेशन। सेकेंड है एंग्जाइटी। थर्ड है सुसाइडल आइडियाज। फोर्थ है एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन। ऐसे अलग अलग प्रकार के टेंशन के सिम्टम्स वो व्यक्ति में दिखने लगते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति किसी के पास भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और ऐसे वक्त हम एज अ साइकेट्रिस्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके आजू बाजू, आपके नेबरहुड में, आपके दोस्तों में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो आपको लगता है होमोसेक्सुअल है लेकिन एक्सप्रेस करने से कतराता है, तो उसे आप एज अ साइकेट्रिस्ट के पास लेकर आइए। मैं एज अ साइकेट्रिस्ट वो व्यक्ति से बात कर सकता हूँ, उसके कंसर्न्स क्या है उससे डील कर सकता हूँ, उनसे पेरेंट्स से बात कर सकता हूँ और उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। अगर वो व्यक्ति के प्रॉब्लम सॉल्व हुए तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि वो व्यक्ति 100% फ्रीडम से और 100% इंडिपेंडेंस से जी सकेगा। मैं एज अ साइकेट्रिस्ट, हमारा पैशन है कि जो भी इंडिया के लोग हैं उनको एक पावर देना, उनको एम्पावर करना, और उसी कारणवश मैंने ये वीडियो आपके सामने रखा है। मेरा बार बार बोलना यही है कि होमोसेक्सुअलिटी ये बीमारी नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, वो एक इलनेस नहीं है। अगर आपको कोई भी जानकारी हो जो होमोसेक्सुअलिटी के बारे में आपको चाहिए, तो आप मेरे चैनल है खुद का, आप मुझे क्वेश्चंस डाल सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये वीडियो के द्वारा, जैसे मैंने बताया, मेरे को एम्पावर करना है, इसलिए आपको कहीं भी अगर ऐसे पेशेंट्स, ऐसे व्यक्ति दिखते हैं, ऐसे लोग दिखते हैं जो होमोसेक्सुअलिटी से, जिनका अगर स्टेट है, तो ये व्यक्ति को ज़रूर ये वीडियो दिखाइए, ताकि उनको समझेगा कि होमोसेक्सुअलिटी ये बीमारी नहीं है और वो खुले जाके ओपनली खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं और ओपनली खुद के बारे में व्यूज रख सकते हैं। मैं जल्दी आगे के वीडियोस लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।